हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ पर्सन रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है मैसेजेस। इसमें जो भी मैसेजेस है सभी के लिए है, कोई पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। चलिए आइए देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन कैसा फील करेंगे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, सो हियर वी हैव दीज टू कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइन ऑफ वैंड्स भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ओके, लेट मी अरेंज देम फर्स्ट। सबसे पहले व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है व्यूअर्स, ये अगले कुछ घंटों में आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर ले सकता है, क्योंकि ये क्विक एनर्जी, एक फास्ट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपकी तरफ मूव होती हुई, आपकी तरफ बढ़ती हुई, एक फास्ट अप्रोच, एक फास्ट एनर्जी, एक क्विक एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये बहुत स्पीड में आपकी ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी में ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। तो ये खुद भी आपसे मिल सकते हैं, या मिलने के लिए कह सकते हैं, या आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सडनली, और बहुत फास्ट एनर्जी में इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कोई हिंट, कोई नोटिफिकेशन इनकी तरफ से, या अचानक इनका कहीं आपको दिख जाना, मिल जाना, या इनका किसी बात को लेकर अचानक से आपसे बात करने लगना, या अगर ब्लॉक किया है आपको तो अचानक से अनब्लॉक करना। ओके, तो कुछ तो ऐसा ही कर सकते हैं जो कि एक सडन एक्शन है, एक सडन और फास्ट स्टेप है। अनएक्सपेक्टेड भी कुछ कर सकते हैं, जैसे आप सोचेंगे कि इस वक्त इनका फ़ोन आया था, आएगा इस वक्त इनका फ़ोन आएगा, मुझे लगा नहीं था, या इस वक्त ये इंसान मुझसे यहाँ टकरा जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, मुझे लगा नहीं था, या इस वक्त ये मुझे फ़ोन करेंगी, या इस वक्त मुझे ये मैसेज करेंगे या करेंगी, और मैसेज में ये लिखेंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत ही क्विक इनकी तरफ से कोई एक्शन आपके लिए अगले कुछ घंटों में लिया जा सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन कुछ करे अगले कुछ घंटों में। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, और बहुत फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत क्विकली आपके पास भाग के, दौड़ के आ जाना चाहते हैं अगले कुछ घंटों में, तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, यहाँ पर फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर कवर होंगे। तो आप जब भी टैरो रीडिंग देखते हैं, साइंस को लेकर रिस्ट्रिक्टेड फील मत कीजिए। एटलीस्ट जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ उसमें तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइंस को लेकर, जब बात टैरो रीडिंग की है। एस्ट्रोलॉजी में हाँ डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंट है चीज़ें। ओके, तो और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने प्लान नहीं किया था, लेकिन उनसे वो चीज़ होगी, और वो चीज़ एज अ कर्मा या एज अ जस्टिस सर्व होगी। यानी कि अगर आपको लग रहा था ये इंसान आपको घोस्ट कर चुका है, या कर चुकी हैं, या डिसअपेयर हो गए हैं अचानक से, या अचानक से नॉट इंटरेस्टेड हो गए हैं आपको कुछ बोल के, आपको कुछ डिसरिस्पेक्ट करके, या कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके, आपको बिट्रे करके, आपको फॉर ग्रांटेड लेने के बाद ये इंसान आपको अवॉइड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बच रहे हैं, छुप रहे हैं आपसे,
और इनकी तरफ से जो बिहेवियर है वो आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, उनका इग्नोर करना या उनका इस तरह से डिसअपियर हो जाना आपको बहुत डिसरिस्पेक्टिंग और बहुत हर्ट किया है ये सब अगर आपको, और इसीलिए अगर आप अंदर से चाहते भी थे कि कर्मा सर्व होना चाहिए इस पर्सन को, या आप अंदर से चाहते भी थे कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, या इस सिचुएशन में जो भी फेयर है, जो भी इक्वल है, जो भी जस्टिस है, जो भी न्याय है, वो इस सिचुएशन में होना चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट दैट और यू वॉन्टेड दैट, अगर आप ये चाहते थे तो व्यूअर्स बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा या करेंगी जहाँ पर सब कुछ सेटल होगा। अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया, हर्ट किया, जो भी हुआ और आपको अनफेयर फील हुआ बहुत ज़्यादा, या बहुत इनजस्टिस आपके साथ हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत होने वाली है अगले कुछ घंटों में। ओके, अगले कुछ घंटों के लिए ही कह रही हूँ, तो फिर चाहे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी वक्त किसी भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके अगले कुछ घंटों के लिए ही है ये रीडिंग। ओके, तो उस अगले कुछ घंटों में व्यूवर्स एक ऐसी चीज़ की शुरुआत होने वाली है जिसमें अब आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा, और ये इनका फास्ट एक्शन लेना या क्विक एक्शन लेना आपकी तरफ, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत। ये एक पूरी जर्नी होगी, ये एक पूरी प्रोसेस होगी आपको जस्टिस दिलाने की, और ये जस्टिस आपको कौन सर्व कर रहा है? डिवाइन सर्व कर रहे हैं, जिस पर भी आपका फेथ है, चाहे भगवान शिव पर है, किसी और देवी देवता पर है, या यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को ही एज अ फॉर्म ऑफ डिवाइन, उनको ही आप बोलते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, या जहाँ भी आपका फेथ है। ओके, आपका फेथ कहीं भी हो सकता है, तो वहीं से बस आप समझिए कि आपको जस्टिस मिल रहा है। जो भी दुख आपने सहा, जो भी गलत आपके साथ हुआ, जो भी अनफेयर हुआ, और वो अनफेयर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली कुछ आपको ऐसा ट्रॉमा हुआ, वट एवर हैपेंड विद यू, पर ऐसा लगता है कि अब न्याय मिलने की शुरुआत होगी, और वो जो शुरुआत होगी उसके साइंस आपको दिखने लगेंगे अगले कुछ घंटों में। ये इंसान आपकी तरफ दौड़ के भाग के आएगा, और फिर यहाँ पर कर्मा सर्व होगा स्लोली, एकदम से कुछ नहीं होगा, स्लोली वो चीज़ें सर्व होंगी इनकी लाइफ में, जिससे अंततः ये इंसान रियलाइज करेंगे, या ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, ये रियलाइज करेंगे या करेंगी कि इन्होंने जो किया था वो गलत था, और ये जो इनके साथ हो रहा है ये उसका कर्मा है, ये उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में व्यूअर्स इस इंसान का जो फोकस है वो बहुत क्लियर है कि इनको आपकी तरफ मूव करना है। सडनली ये इंसान इतना पैशनेट क्यों हो गया है, सडनली ये इंसान आपके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो आप जो भी हुआ इस इंसान से मिस्टेक, गलती जो भी हुआ है, ये इंसान आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश, आपको भूलने की कोशिश, आपकी बातों को या आपके विचारों को लेट गो करके रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। ये चाहे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में है, वर्क प्लेस में है, कॉलेज में है, किसी भी प्रोफेशन में है, या पढ़ाई कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, कहीं भी है ये इंसान, इनके मन में सिर्फ आपका विचार आ रहा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, क्या हुआ, बार बार रह रहकर और बार बार आपका विचार आ रहा है। वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, उनको आपके बारे में सोचना चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके विचार आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भुलाने की कोशिश की, इस चीज़ को लेट गो करके मूव ऑन करने की कोशिश की, तो गलतियां करके वहां से भाग निकलना इतना आसान नहीं होता है। आप चाहे कितना भी अपने आप को जस्टिफाई कर लें, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है वो जानती है कि आपसे कुछ गलती हुई है, और वो आपको ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करने देती, वो आपको ऐसी सिचुएशन को लेट गो नहीं करने देती, वो ऐसी सिचुएशन को आपको भुलाने नहीं देती। ओके, तो इसीलिए ये इंसान कहीं भी इन्वॉल्व है, ये बस वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इस इंसान का दिमाग अभी भी उसी चीज़ में है। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह से एकदम गिल्टी हो गया है ये इंसान, नहीं, ये चेक करेगा आपको, ये चेक करेंगी आपको कि आप ठीक तो हो, फ्रेंडली बिहेव करेंगे आपके साथ, ओपन फ्रेंडली फ्रैंक ऐसा बिहेव करेंगे टू मेक श्योर कि आप हर्ट तो नहीं हो ना, आप भी ठीक हो, हाँ आपको भी फर्क नहीं पड़ा, यू आर ऑल्सो हैप्पी, यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग योर लाइफ, इन्होंने आपको इतना तो हर्ट नहीं किया ना, ये चेक करेंगे आपको अप्रोच करके, आपकी तरफ कोई एक्शन लेके, आपकी तरफ कोई स्टेप लेके,
ये इंसान आपके आपकी इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे चेक करेगा। और अगर आप बहुत दुखी दिखाई दिए तो ये इंसान सोचेगा या सोचेंगी कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गिल्ट में होंगे। और अगर आप खुश भी दिखाई देंगे तो भी ये इंसान सोचेगा कि अरे आप तो खुश हैं, इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ये माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से मांगे, यानी कि फेस कैसे करें, आपको कौन सा चेहरा लेकर कौन सा एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने जाएं। तो दोनों ही केसेस में ये इंसान गिल्टी फील करने वाला है आगे, क्योंकि गिल्ट फील होना शुरू हो चुका है, लेकिन उस बात को ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, जैसे हम किसी का मजाक उड़ा दें और वो इंसान वहां से जो चुपचाप निकल जाए और हमें बाद में लगे कि इसने कुछ बोला नहीं, ये चले गए, नाराज हो गए, क्या फिर इनको फर्क नहीं पड़ा, कोई नॉर्मल है, तो अब ये डाउट रहेगा अंदर कि अरे बुरा तो नहीं लग गया उनको, बुरा लग अगर लग लग गया बुरा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ क्यों रहा है। इस तरह से ये इंसान अब धीरे धीरे गिल्ट में आएगा और ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें इनको फील हुई तो इन्होंने उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सोचा कि अपना दिमाग कहीं और लगा लेंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन ए बी सी कोई पर्सन है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दिस हैज़ टू बी अ पर्सन। यहाँ पर तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा करियर में ध्यान लगा लेंगे, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, या यू नो एंटरटेनमेंट में ध्यान लगा लेंगे, किसी और पर्सन से फ्रेंडशिप कर लेंगे, किसी और के साथ हैंग आउट कर लेंगे, कहीं और यू नो थोड़ा टाइम पास करेंगे, तो मन भटक जाएगा, मन कहीं और लग जाएगा। मन तो ऐसा ही है, जहाँ लगाओ लग जाएगा। तो उन्होंने बहुत कहीं और मन लगाने की भी कोशिश की, दे ट्राइड एवरीथिंग। ऐसा लगता है जब हम साम दाम दंड भेद और सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं टू मूव ऑन इन लाइफ। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे फ्रेंड्स बनाते हैं, कई लोग यू नो इन गलत सब्सटेंसेस की तरफ चले जाते हैं। ओके, गलत सब्सटेंसेस की तरफ चले जाते हैं। कई लोग जो होते हैं एकदम सैड और डिप्रेस हो जाते हैं, और कई लोग एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। इन्होंने ऐसा लगता है ऑलमोस्ट सब ट्राई किया, लेकिन ये आपके बारे में भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान इस चीज़ से डर गए हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे कि इनको कर्ज कर दिया गया है। तो ये गिल्ट भी है, और इस इंसान का फोकस अब क्लियर है कि ये आपकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस हो रहा है और जस्टिस की शुरुआत हो चुकी है। व्यूअर्स, तो आपके लिए ये कैसी न्यूज़ है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट करके, कि आपको खुशी हुई जान के, या आपको भी सुन के कुछ खास अच्छा नहीं लगा है, या आप कोई अपॉलोजी नहीं चाहते, या फिर आप भी चाहते हैं कि कर्मा तो स्वयं होना ही चाहिए। और आप इस चीज़ पर कैसा रिस्पॉन्स करेंगे वो तो आप ही जानते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या होगा। ओके, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे ये लग रही, डरे हुए हैं ये, कॉन्फिडेंस आके आपको दिखाएंगे ज़रूर। ओके, कॉन्फिडेंस से ही बात करेंगे, फ्रेंडली फ्रैंक होके, कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इनसे कोई कभी गलती हुई ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अंदर से इस इंसान के अंदर डर है और गिल्ट भी है, फियर भी है, तो वो आप पहचान जाएंगे, वो पहचान जाएंगे आप, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो कि है 9, 19, 29, 3, 13, 23 and 11, 21, 31, 1, 2, 12, 22। ओके, यहाँ ये कुछ नंबर्स हैं, डेट्स हैं, वीक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यस, आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या गाइडेंस है व्यूअर्स। डिवाइन गाइडेंस इस सिचुएशन में देखना बहुत ठीक रहेगा, कि यहाँ पर डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जस्टिस सर्व कर रहे हैं, तो कोई गाइडेंस भी होगी आपके लिए। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। तो व्यूअर्स, अगर आप अपनी लाइफ में किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, आपको रुकना नहीं है। किसी के लिए, किसी के वजह से, किसी रीजन से, इस पर्सन के रीजन से, डू नॉट स्टॉप, गो वेर एवर यू आर गोइंग, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप जो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो करते रहिए, रुकने की आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए रुक के इंतज़ार करने की, या किसी के लिए कुछ छोड़ने की, किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने की, या किसी के लिए कोई चीज़ रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देयर इज़ वन मोर कार्ड, यू आर रेडी, डोंट स्टॉप। तो व्यूवर्स, ऐसा लगता है कि जैसे आपको जो चीज़ सर्व होनी चाहिए थी,
आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है, आपको बस रुकना नहीं है. ओके, बिकॉज यू आर राइट इन दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में सही हैं, इसीलिए अब आपको जस्टिस भी मिलने वाला है, आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. लेकिन आप रुकिएगा मत, जहाँ पर आप रुक जाएंगे और इस पर्सन के लिए फिर इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे अभी माफ़ी मांगेंगे, ये है, थम जाएंगे वापस इस पर्सन पर आके, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, फिर वो एनर्जी चेंज होगी. ओके, आप उस एनर्जी से बाहर आइए और बाहर ही रहिए और आगे मूव कीजिए. ऐसा लगता है जैसे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट किया जा रहा है. लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड करती होगी ये सारी बातें, कि रुकने का कोई फायदा नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. जब हम पीछे मुड़कर देखना बंद करते हैं और बेझिझक निडर होके आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तभी वो पीछे की सिचुएशंस, जो पीछे के लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया या हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हम जब बाहर आने लगते हैं तभी वो लोग आके अपोलोजाइज करते हैं, तभी वहाँ पर एक जस्टिस सर्व होता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ गए. अब जो जस्टिस सर्व करने का काम है वो डिवाइन का है. तो यहाँ पर व्यूवर्स अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको ये सब पहले ही गाइड कर रही होगी. आई जस्ट नीड वन कार्ड. तो चलिए लास्ट कार्ड लेते हैं टू सी कि क्या है यहाँ पर. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, कंग्रेचुलेशंस, आज से एक साल बाद आपको आपकी लाइफ में जो पोजीशन या जो विक्ट्री मिलेगी वो बहुत डिफरेंट होगी अपने आप में. तो ऐसा लगता है व्यूअर्स, आज से एक साल बाद आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो चुकी होगी, बहुत बदल चुकी होगी, और ये एक साल का पीरियड जो होगा वो आपकी ग्रोथ का होगा, आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का होगा. ओके, डोंट स्टॉप, आपको ये अचीव करना ही है, ट्रांसफॉर्म होना ही है. डोंट बेग फॉर लव, डोंट प्लीज एनीवन फॉर लव, और डोंट डू नॉट चेंज योरसेल्फ फॉर लव. ओके, यू आर लव. तो आपके लिए यहाँ पर सारे अच्छे रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये इंसान घबरा के, टेंशन लेके, गिल्ट में आके एक्शन लेगा ज़रूर. रिस्पॉन्स आपका क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे. ओके, अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसाइड कीजिएगा. सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है. अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने % रेजोनेट करती है ये रीडिंग. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.